चलिए तो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज हम लोग इस चैप्टर का जो है चैप्टर 4 का मोशन इन प्लेन का लास्ट टॉपिक चल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, और इससे पहले के सारे जो है जो टॉपिक्स है पहले ही अपलोड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक ना, फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सब चीज़ एक एक करके बारीकी से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज पवन कुमार तिवारी, मेरा अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा चैनल पवन सर साइंस 066। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि कोई अगर बॉडी हो और सर्किल पर मोशन कर रहा है, कोई ऐसा बॉडी हो जो सर्किल पर मोशन कर रहा है, तो इसके मोशन को सर्कुलर मोशन के बारे में आपको क्लास 9th में भी कुछ पढ़ाया गया होगा साइंस में। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ अ पार्टिकल मूव अलॉन्ग अ सर्किल, अगर कोई पार्टिकल जो है सर्किल के अलॉन्ग मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक, चूंकि हमें यहाँ पर डिस्कस करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, हमें ये सर्कुलर मोशन तो हम जानते ही हैं क्या होता है, लेकिन हमें यहाँ पर डिस्कस करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज दैट कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर ये ओ है और रेडियस आर है, और एक पार्टिकल जो है इस आर रेडियस के सर्कल पर इसके सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है। ठीक, तो अब चूंकि सर्किल पर इसके सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। बट यदि उसका स्पीड कांस्टेंट रहे, मतलब कि इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यूनिफॉर्म जो है स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आप क्या बोलते थे यूनिफॉर्म स्पीड, आप कोई स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम बोलते थे यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मेरा यूनिफॉर्म ही होगा, बट वो जो डिस्टेंस कवर करेगा किसके अलॉन्ग करेगा, अलॉन्ग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो दैट मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक ना, अब चूंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोई पार्टिकल अगर यहाँ से मूव कर रहा है तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए ये ए हो तो बी पे आ जाएगा, फिर आफ्टर सम टाइम बाद वो सी पर भी आ सकता है, फिर डी पर भी आ सकता है, ऐसे मूव करते वो ई पर जाएगा और एफ पर भी जाएगा, है ना। तो इसका स्पीड को भले ही हम कंसीडर कर लें कि कांस्टेंट है, एग्जांपल में आपके ऊपर घड़ी लगा हुआ है, ठीक ना, वॉल वॉच है, उसमें जो मिनट्स हैंड्स है, हावर्स हैंड है, या फिर जो सुई है, फिर जो क्या है सेकेंड वाली जो आपकी हैंड से सुई है, सब क्या होता है सर्कुलर मोशन करता रहता है, सर्कुलर मोशन उसकी स्पीड क्या होती है कॉन्स्टेंट होता है ना, 60 सेकेंड में क्या होगा एक चक्कर लगा लेगा, 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा, ऐसे करके चक्कर लगाता है ना आपका ये। तो ये जो हमारा होता है एग्जांपल हम ले सकते हैं सर्कुलर मोशन का। ठीक, अब चूंकि बॉडी का स्पीड तो मेरा कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम देखें उसके डायरेक्शन की बात करते हैं, तो सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अभी पार्टिकल यहाँ पर है तो इसके अलावा टेंजेंट खींचेंगे क्या होगा, उसका डायरेक्शन दिखाएगा। मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था, शायद इसी चैप्टर में बताया था कि किसी कोई बॉडी का कर्व पाथ मोशन कर रहा है, उसका डायरेक्शन पता करना हो तो क्या करते हैं, उस पॉइंट पर उसका टेंजेंट खींच देते हैं, टेंजेंट ही बताता है कि उसका डायरेक्शन उस क्षण उस एट एनी स्टेंस एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ, पाथ के किसी भी पॉइंट पर किसी भी समय अगर हम टेंजेंट पता करना हो तो क्या करते हैं, उस पर हमें डायरेक्शन पता करना हो तो क्या करते हैं, उस पॉइंट में एक हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, वो बता देता है कि उस समय उस क्षण जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी पार्टिकल जब पॉइंट ए पर होगा तो इस समय उसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जब वो यहाँ से मूव करते करते यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा इस तरह हो जाएगा। ठीक, जब वो मूव करते हुए सी पर आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, टेंजेंट क्या देता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये इधर डायरेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है।
ठीक ना। तो जब डायरेक्शन चेंज होता है तो हम अब ये नहीं कह सकते कि उसकी वेलोसिटी चेंज है, क्योंकि आपको वेलोसिटी के में बताया गया है कि वेलोसिटी में अगर बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, अगर स्पीड कोई बॉडी मोशन कर रहा है और वो कांस्टेंट स्पीड से भले मोशन कर रहा है बट उसका डायरेक्शन में हमेशा चेंजिंग हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन भी बदलता है तो भी वेलोसिटी क्या होता है हमारा बदल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भले ही सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो कांस्टेंट हो, ये सेम स्पीड से भले चले, बट हम ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है, तो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। और जब भी कभी वेलोसिटी में चेंजिंग होता है तो उसको मोशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी अगर मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है ना। अब यहाँ पे चेंज हुआ, हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। जब हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो हम बोलेंगे ना वेलोसिटी में चेंजिंग हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है मेरा, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उसका मोशन क्या होता है, उसके मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक ना। तो मोशन ऑफ पार्ट स्केल अलॉन्ग अ सर्किल इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द पार्ट स्केल चेंज कंटिन्यूसली। उसकी वेलोसिटी क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है, भले उसका स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर 60 के स्पीड से भले चले लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी उसकी वेलोसिटी क्या होगा, बदलेगा। क्यों, क्योंकि उसके डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है। और जब डायरेक्शन में चेंजिंग होगा तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंजिंग होगा। और वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, चेंजिंग जो होता है वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है फिर भी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो हमें कुछ जो है सर्कुलर मोशन में कुछ टर्म्स हमें ना, दूसरी चीज़ कि जब भी कोई बॉडी मोशन करता है ना तो हमेशा जो है वो रेडियस के क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। देखिए ये इसका जो डायरेक्शन होता है मोशन का क्या बनाता है, इसके साथ कितना का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक ना। हमेशा जो है 90 डिग्री के एंगल पर ही होता है, कहीं से हम खींचेंगे देखेंगे हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, ठीक ना। तो इस तरह जो है हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, तो आप जानते ही हैं, थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लेंगे। ये सारे टर्म्स जो है हमें सर्कुलर मोशन में डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो पढ़ते हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता। तो इस तरह आपने देखा कि हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो रेडियस वेक्टर के साथ क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है, रेडियस वेक्टर से, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी जो वेलोसिटी, कहीं भी हम मेजर करें तो हर जगह वेलोसिटी वेक्टर जो है रेडियस वेक्टर के साथ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन करता है तो वेलोसिटी वेक्टर जो होता है रेडियस वेक्टर के साथ क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है। और चूंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, वही बात है, ठीक। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम सपोज कर लेंगे कि कोई पार्ट स्केल है जो सर्किल पर मोशन कर रहा है, अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ मोशन कर रहा है विथ सेंटर ओ, जिसका रेडियस मेरा आर के बराबर है। सपोज कर लेंगे इनिशियली पार्ट स्केल एट पॉइंट पी। हम सपोज कर लेंगे कि पार्ट स्केल जो है शुरू में जो है पॉइंट पी पर है, ठीक ना। और T1 समय में, कुछ समय में जो है वो ट्रेवल करके पहुंच गया पॉइंट ए पर। उस समय जब वो पॉइंट पी से जब पॉइंट ए पर पहुंचा तो उसके एंगल में कुछ चेंजिंग होगा ना। हम सपोज कर रहे हैं कि उस समय जो इसका एंगल है वो θ1 है, ठीक। एट टाइम T1 वो कहां पहुंचा, ए पर, जो एंगल में उसका चेंजिंग हुआ θ1। एट टाइम T2 वो यहाँ से चला, चलते समय पहुँच गया B पर, ठीक ना। T2 समय में कहाँ पहुँचा, वो B पर पहुँचा। और उस समय जो एंगल होगा हम सपोज कर लेंगे θ2, ठीक। तो वो A से B तक, P से चला, P से A और B तक जाने में उसके इससे सरकमफेरेंस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम सपोज कर लेंगे कि डेल्टा S का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्टेंस को हम S1 कह लेंगे, पूरे के S2 कह लेंगे। तो S1 माइनस S2 क्या होगा, डेल्टा S के बराबर होगा।
अपने समझने के लिए हम कह सकते हैं कि ये सपोज दैट एस वन है और ये आपका क्या है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एस टू है। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इजकल टू एस टू माइनस एस वन। ये क्या होगा, इसके पाथ में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, कि वो जो चला था इसके सरकमफ्रेंस पर कितना डिस्प्लेसमेंट किया, साथ ही साथ इसके एंगल में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या T1 समय पर कहाँ था, थीटा वन, और T2 समय पर थीटा टू, तो डिस्प्लेसमेंट उसके एंगल में भी कुछ चेंजिंग हो रहा है ना। तो वो जब हम निकालेंगे इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, ये पूरा वाला थीटा टू है ना, पूरा यहाँ से लेकर थीटा टू, ये क्या है, थीटा वन है। तो निकालेंगे डेल्टा थीटा थीटा टू माइनस थीटा वन, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डेल्टा थीटा की वैल्यू बस मारा ना, तो पहले लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर। ये क्या है, ये ओपी क्या है, रेडियस है ना, तो इस रेडियस वेक्टर के द्वारा कितना एंगल स्वेप्ट कर रहा है इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ये जो एंगल स्वेप्ट हुआ है डेल्टा टी, किस इंटरवल में हुआ है, टी टू पहला डिस्टेंस पहला टाइम कितना था टी वन, दूसरा टाइम कितना लिया टी टू लिया, तो दोनों का जो इंटरवल होगा क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन, यानी इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में उसके एंगल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना जो है एंगल, वो क्या गया एरिया स्वेप्ट किया है, वो डेल्टा थीटा के बराबर कर रहा है, किया है वो कितने सब टाइम में किया है, डेल्टा टी समय में। ये गिवन टाइम जो डेल्टा टी है ना, तो हम कह सकते हैं डेल्टा टी समय में उसके द्वारा जो एरिया स्वेप्ट किया जाए किसके द्वारा, इसके रेडियस के द्वारा, पार्ट्स के लिए यही से चल रहा है ना भाई। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट, आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, ये पार्ट्स के जो है यहाँ से चला पी से चला, ठीक है, मान लीजिए कि वो दो सेकंड में यहाँ पर पहुँचा, दो सेकंड में ए पर पहुँचा, ठीक, यहाँ पर थीटा वन हो गया, और फिर चार सेकंड में वो यहाँ पर पहुँच गया थीटा टू हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो चार माइनस दो कितना हो जाएगा, दो सेकंड में उसने कितना एरिया कवर किया, दो सेकंड में इतना ही कवर किया ना भाई, पहली बार इतना दूसरी बार इतना, तब उसके एरिया में दोनों इसके रेडियस वेक्टर के द्वारा इन दोनों टाइम इंटरवल में, ये दो सेकंड का है ये चार सेकंड का है, तो दो सेकंड में उसके द्वारा कवर किया गया एरिया कितना है, यही होगा ना, जो ये हम एरिया खींचेंगे ना, ये क्या होगा, यही दो सेकंड में कवर किया गया उसका एरिया होगा, बस माना ना। तो हम यही लेके चलेंगे कि डेल्टा थीटा जो एरिया कवर किया जा रहा है किसी गिवन टाइम इंटरवल में, तो यहाँ पर डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल में इस रेडियस वेक्टर के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा कुछ मेरा ये होगा, यही एरिया इसके द्वारा कवर किया जाएगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाई रेडियस वेक्टर इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिख सकते हैं एरिया स्वेप्ट आउट बाय रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम इंटरवल में किसी दिए टाइम इंटरवल में, इन गिवन टाइम इंटरवल इसको बोलता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, गिवन टाइम इंटरवल में एरिया कवर करता है एंगुलर। और फिर आप ये जानते हैं कि एंगल इज कॉल्ड, अगर कोई सर्कुलर मोशन का कोई सर्कल है, एंगल इज कॉल्ड क्या होता है, आर्क वाई में लेंथ, ऐसा आपको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पर जो एंगल कितना कवर किया गया है, डेल्टा थीटा, आर्क इसका कितना है, इस जो है एंगल में कितना है, डेल्टा एस है, और लेंथ मतलब इसका रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा थीटा इजकल टू एस वाई में आर, या हम ये भी कह सकते हैं इसको क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इजकल टू एस वाई में आर होगा, थीटा इजकल टू एस वाई आर। अब चूंकि जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्किल पर मोशन करता है तो पूरा एक चक्कर में कितने के एंगल बनाता है, 360 का बनाएगा, 360 यानी कह सकते हैं 2 पाई के बराबर एंगल वो कवर कर लेता है पूरे ए वन रिवॉल्यूशन में। और इसके एंगल को क्या हो सकता है, इसको हम डिग्री में मेजर करेंगे, डिग्री में मेजर करेंगे या फिर रेडियन में मेजर करते हैं, इसलिए मेजर करते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इसका क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक, और ये एक जो है
डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसलिए कहते हैं कि इसका जो यूनिट होता है वो हमारा रेडियन होता है, और ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आप लिख सकते हैं कि यूनिट जो होता है इसका रेडियन होता है, रेडियन, और ये होता है डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन इसके पास, इसके पास डायमेंशन नहीं होता है, ठीक, ये हम इसके पास कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर वेलासिटी, ठीक, एंगुलर वेलासिटी, एंगुलर वेलासिटी, ठीक। सबसे पहले तुम ये जानते हैं कि वेलासिटी क्या होता है। आपको जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया जा रहा था एंगुलर वेलासिटी क्या होता है, कोई बता, सॉरी एंगुलर वेलासिटी नहीं, इसमें वेलासिटी बताया जा रहा था, कोई बता सकता है वेलासिटी क्या होता है, बोलिए भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते थे ना वहाँ पर, हम क्या होता था वेलासिटी, तो यहाँ पर भी वही बोलेंगे, अभी थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, क्योंकि हम सर्किल पर मोशन कर रहे हैं ना, तो जो कुछ भी कहेंगे वहाँ एंगुलर के साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई वहाँ पर ही बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट हम यहाँ पर क्या एंगुलर वेलासिटी की बात कर रहे हैं, तो अब डिस्प्लेसमेंट की जगह बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलासिटी। भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो चेंजिंग का जो रेट होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, एंगुलर वेलासिटी बोल देंगे। तो लिख सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलासिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलासिटी देता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ जब हम वेलासिटी की बात करते हैं तो क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो यहाँ पर चूंकि हमें वेलासिटी पढ़ना है तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, या हम कह सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग होता है पार्टिकल का उसी को बोलते हैं एंगुलर वेलासिटी, ठीक, इट इज डिनोटेड बाय ए, हाँ, इस आप पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर वेलासिटी, नहीं समझ में आ रहा। और इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा बार से, ओमेगा के ऊपर एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, डब्ल्यू जैसा बनाते हैं थोड़ा घुमाकर, इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक। इसकी जो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, तो यूनिट हम कहेंगे यूनिट जो इसका होता है ओमेगा बार, रेडियन पर सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन होता है एम जीरो एल जीरो टी पावर माइनस वन, ये होता है डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलासिटी एम जीरो एल जीरो टी पावर माइनस वन। समझ में आया? Yes, तो अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिकली, हम सपोज कर लेंगे कि एक पार्टिकल है जो उसके एंगल में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डेल्टा थीटा कितने समय में हो रहा है, ये डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट कितने समय में हुआ है, ये डेल्टा यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल्टा थीटा, कितने कितना का टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी का, ठीक ना, तो उसी का तो रेट निकालता है। तो एंगुलर जो हमारा सपोज कर लेंगे कि कोई एक पार्टिकल है जिसके एंगल में जो है पॉइंट पी पर है, पी से ए तक, पी से क्या है, पी से बी तक पहुंचा, तो इसके एंगल में डेल्टा थीटा का जो है चेंजिंग हो गया, और ये चेंजिंग होने में इससे डेल्टा टी टी समय का समय लगा है, तो एंगुलर जो हमारा वेलासिटी होता है ओमेगा बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज अब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो जब भी हम चेंजिंग निकालते हैं उसका रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो उसको टाइम से हम डिवाइड करते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलासिटी हो जाएगा। तो ओमेगा बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी हो जाता है। अगर ये टी इतना छोटा हो कि टेंड टू जीरो, टेंड टू जीरो मैंने पिछली बार आपको बताया था, तो बहुत जो जीरो हो बहुत छोटा हो, तो अब ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलासिटी हो जाता है, ठीक ना।
तो जब हम डेल्टा टी टेंड टू जीरो करते हैं यानी इसकी जब लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी उसको हम बोलते हैं, और उस समय जो उसको हम डिनोट करते हैं, अब यहाँ पर जो है ओमेगा बार जो है उसको सिर्फ हम ओमेगा लिख देते हैं, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, ये टाइम जो है एकदम जीरो के अप्रोच हो जाए तो हो जाएगा डी थीटा बाय में डी टी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा बाय में डी टी के बराबर। ऐसा मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जब डेल्टा टी टेंड टू जीरो बहुत जीरो हो तो लिमिटिंग वैल्यू जो इसका देता है वो क्या आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये एंगल जो है वेरी स्मॉल समय में, वेरी वेरी स्मॉल समय, ऐसा समय जो क्या हो जीरो के पास हो, उस टाइम इंटरवल में जो चेंजिंग होगा एंगल में उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। और वो जो हमारा कुछ इस प्रकार का था ओमेगा स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी। हाँ इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना, तो बहुत स्मॉल का मतलब कि अप्रोच टू जीरो, ये हाँ फिलहाल इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये कैलकुलस में लिखा जाता है, जब कैलकुलस हम पढ़ाएंगे आपको मैथ में तो वहाँ पर हम बताएंगे, ठीक ना। तो जब भी हम लिमिटिंग लेते हैं तो इसको डी थीटा बाय में डी टी के टर्म से इसको लिखते हैं। ओमेगा बार ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी, बट ये होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, क्या ना, तो ओमेगा बार को हम यहाँ पे भी कह सकते हैं क्या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो जब हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं वो भी कब जब डेल्टा टेंड टू जीरो, तो एवरेज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी व्हेन डेल्टा टी टेंड टू जीरो गिव द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जो हमारा इस ओमेगा के फॉर्म में होता है ओमेगा इक्वल टू दिस, उसको भी जान लेते हैं चूंकि आप जानते हैं इसके बारे में। एक होता है टाइम पीरियड और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि पार्टिकल को जो है वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से क्या करते हैं डिनोट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में समय लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड भी आप लिख लीजिए, लिखना है तो, नहीं तो आप जानते हैं इसको कैपिटल टी से हम क्या कर सकते हैं डिनोट करते हैं। हाँ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। हाँ अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार ये घूमेगा सर्कुलर पाथ पर, वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, ऐसे एन कुछ टेढ़ा बना देते हैं या न्यू पढ़ते हैं इसको हम, एन जो कुछ ऐसे घुमा कर टेढ़ा बनाते हैं तो हमारा बन जाता है न्यू फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में जो सर्कुलर पाथ हो कितनी बार वो घूम जाता है फ्रीक्वेंसी होता है। और यहाँ पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन भी होता है, आपको पता है नहीं पता है तो जान लीजिए कि टाइम पीरियड इक्वल टू होता है वन बाई में न्यू, ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू निकालेंगे तो वन बाई में टाइम पीरियड भी आपका हो जाता है। बात समझ में आ जाइए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन टी इक्वल टू वन बाई न्यू या न्यू इक्वल टू वन बाई टी के बराबर होता है। नहीं इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं न्यू से, इस टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, इस तरह फ्रीक्वेंसी को इस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। बात समझ में आया, आगे हम देखते हैं छोटा सा रिलेशन है, इसको बताते हैं रिलेशन बिटवीन ओमेगा न्यू एंड टी। रिलेशन बिटवीन ओमेगा मतलब क्या है एंगुलर वेलोसिटी, न्यू फ्रीक्वेंसी और टी टाइम पीरियड, इसके बीच का रिलेशन। हम सपोज कर लेंगे कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है और वो एक चक्कर लगा रहा है, क्या वन रिवोल्यूशन कर रहा है, तो वन रिवोल्यूशन में जो है पूरा जो इसका कवर किया जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिए कि वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो डेल्टा थीटा का एंगल बना रहा है ना, ठीक ना। अगर पूरा एक चक्कर लगाएगा तो सेंटर पर कितने का एंगल बनाएगा 360 का, 360 मतलब कि 2 पाई का एंगल बनाएगा 2 पाई का एंगल, पूरे एक चक्कर में 360 का एंगल बनाएगा जिसको हम 2 पाई कह सकते हैं। तो पूरा अगर पार्टिकल जो है पी से चलना स्टार्ट किया,
पी से चला और चलते चलते वो एक चक्का लगाया तो हम कहेंगे कि उस जो एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर बाय द पार्टिकल बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल पार्टिकल के जो रेडियस वेक्टर के द्वारा जो एंगल सस्पेंडेड होगा सेंटर पर वो 2π के बराबर हो जाएगा। और वो उसको वन रिवेल्यूएशन में सपोज कर लेंगे कि टाइम पीरियड टी लग रहा है। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि वन रिवेल्यूएशन में जो उसके द्वारा टाइम लगेगा एक चक्कर में जो टाइम लगेगा उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। और वो एक चक्कर में कितने का एंगल बनाएगा 300 मतलब कि 2π का एंगल बनाएगा। तो अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया था ओमेगा इक्वल टू क्या थीटा बाई में टी है ना सर भाई। ये एंगुलर क्या होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होगा ना। तो डेल्टा कब लेंगे जब वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन ये पूरा एक चक्कर लगा रहा है तो हम थीटा ले लेंगे पूरा और पूरा टाइम लगा रहा है टी ले लेंगे। तो उस समय जो एंगल बना रहा है पूरा सेंटर पर क्या हो जाएगा 2π के बराबर बना रहा है। अब पूरा जो टाइम ले रहा है वो कितना है टाइम पीरियड टी के बराबर है तो टी हो जाएगा टी की जगह टी या थीटा की जगह 2π हो जाएगा। अब ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π और इसको लिख सकते हैं 1/T लिखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2π और 1/T मैंने कहीं लिखा था क्या 1/T जो है न्यू होगा है ना न्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम न्यू तो ये रिलेशन हो जाएगा क्या एंगुलर वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी में न्यू क्या NU मैंने यहाँ पर लिखा भी है बस वहाँ। तो दिस इज द रिलेशन ओमेगा इक्वल टू 2π न्यू होता है रिलेशन बिटवीन द ओमेगा न्यू और टी में ठीक। तो आज इतना ही रहने देते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम 1/T की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है यहाँ से ये रिलेशन दिखाता है यहाँ से ये रिलेशन दिखाता है ठीक ओमेगा और टी में और ओमेगा और न्यू में ठीक। तो फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक।